कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा जो 24 फरवरी को खत्म हुई है, जिसके बाद अब कॉपियों की जांच की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये 5 मार्च से शुरू होगी। मैट्रिक परीक्षा की कॉपी जांच के लिए बिहार बोर्ड ने टाइम टेबल जारी किया है, जिसके अनुसार कॉपियों की जांच 5 मार्च से शुरू होगी और 17 मार्च तक चलेगी। कॉपियों की जांच का सिलसिला कब से शुरू हो रहा है और क्या क्या जारी किए गए हैं गाइडलाइंस, इसके महत्वपूर्ण बातें आइए जानते हैं। 16 लाख से ज्यादा मैट्रिक के छात्रों के कॉपी जांच के लिए बिहार बोर्ड ने पूरे प्रदेश में 130 मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं। बोर्ड के टाइम टेबल के मुताबिक कॉपियों की जांच सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाया जाएगा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। कॉपी जांच में शामिल सभी शिक्षकों को मूल्यांकन केंद्र में सुबह 9:30 बजे तक प्रवेश करना होगा। बिहार बोर्ड के मुताबिक कॉपियों की जांच डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से की जाएगी। अभ्यर्थियों को जो अंक प्राप्त होंगे उसकी ऑनलाइन एंट्री प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर उपलब्ध 7 कंप्यूटर में की जाएगी। कंप्यूटर में अंकों की ऑनलाइन एंट्री के लिए बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों पर एक अलग टीम भी गठित की है, जिसमें एक सुपरवाइजर शामिल होगा ताकि अंकों की ऑनलाइन एंट्री में कोई गड़बड़ी ना हो। हर मूल्यांकन केंद्र पर कुल 100 से लेकर 250 शिक्षक के द्वारा कॉपियों की जांच की जाएगी, जिस दौरान किसी भी अनाधिकृत और अनजान व्यक्ति को मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का भी निर्देश जारी किया है। कॉपी जांच के सफल संचालन के लिए बिहार बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कुल 13 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति भी करने का निर्देश जारी किया है। अगर जरूरत पड़ी तो बिहार बोर्ड कंप्यूटर और लैपटॉप 250 रुपए की दर से भाड़े पर भी ले सकता है। 17 मार्च को कॉपी जांच के समापन के बाद सभी छात्र जिन्होंने परीक्षा में टॉप किया है उनकी कॉपियां दोबारा से जांच की जाएंगी। बता दें कि बिहार बोर्ड की परीक्षाएं साल 17 से 24 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक 5 से 10 अप्रैल के बीच मैट्रिक की परीक्षा के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।